मेरा नाम सैयद वसीम अख्तर है, मैं डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर हूँ पाकिस्तान बैतुल माल में। और ये पनागा का प्रोजेक्ट चूँकि कोरंगी में है तो लिहाजा मैं इसको देखता हूँ पनागा को। और मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार हूँ हमारे प्राइम मिनिस्टर इमरान ख़ान साहब का और हमारे MD ऑन अब्बास पपी साहब का, जिन्होंने ये प्रोजेक्ट शुरू किया और ये मज़दूर तबके और कम आमदनी वाले लोगों को जो है बहुत इससे रिलीफ मिला है। इसमें शाम में हम लोग जो है इस डिनर का इंतज़ाम करते हैं, इसकी टाइमिंग है तक मगरिब के बाद से रात 9 बजे तक, जिसमें अनलिमिटेड लोग आ सकते हैं, कभी 250 भी हो जाते हैं, कभी 400 भी हो जाते हैं। और ये खाने की जो ज़िम्मेदारी है वो ताहिर साहब हैं, अल्लाह वाला ट्रस्ट उनका है, वो खाने का सारा सिस्टम उनकी तरफ से है। हम यहाँ मैनेजमेंट करते हैं, देखते हैं, और वो लोग जो हॉस्पिटल में आए हुए हों या किसी भी काम से कराची 2 या 3 दिन के लिए या 4 दिन के लिए आए हुए हों और होटल अफोर्ड ना कर सकते हों, तो उनको हम फ्री ऑफ कॉस्ट रिहाइश और सुबह का नाश्ता देते हैं। मेरा नाम नज़ाकत है, मैं गांव से आया हूं और मेरा पेशेंट है इंडस में, तो हमको राहत नहीं थी तो हम बहुत परेशान हो गए थे और यहाँ वहाँ दर बदर हो रहे थे और बाहर सोना पड़ता रहे, तो इसलिए हम यहाँ आए हैं इंडस में हॉस्पिटल में। मेरा पेशेंट है और हमको इतना ख़र्चा नहीं था तो हम कहाँ कमरा ले या कोई राहश करें हमको। यहाँ एक भाई ने बताया तो यहाँ एक खुला है, इमरान खान ने खुला है सहूलत गरीबों के लिए, तो हम आए हैं तो हमको यहाँ राहश भी मिलती है और नाश्ता भी मिलता है और खाना पीना भी मिलता है, नहाने के लिए पानी भी है, पीने के लिए पानी भी है। हमारा पेशेंट ब्लड कैंसर में है जो इंडस हॉस्पिटल में। मेरा नाम ताहिर लोन है और मैं अल्लाह वाला ट्रस्ट से ताल्लुक़ है हमारा, और यहाँ हम कोरंगी में जो पनागा है उसमें खाने का जो है वो हम इंतज़ाम हमने अपने ज़िम्मे लिया है और अल्लाह का शुक्र है कि अभी तक ये सही चल रहा है। और खाना जो है रोज़ाना ऑलमोस्ट हम रोज़ाना आते हैं यहाँ, मैं और मेरी वाइफ हम यहाँ खाना खाते हैं ताकि हमें पता चले किस तरह का खाना है और इसकी क्वालिटी को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि बेहतर से बेहतर चीज़ दी जाए। ये पनागाह के लिए था कि यहाँ जब लोग ठहरेंगे वो नाश्ता करेंगे और फिर रात का खाना खाएंगे, क्योंकि दिन भर तो लोग काम करते हैं और लेकिन कोई भी लोग जो यहाँ जो डिज़र्विंग है जो खाना खाना चाहता है वो खाना खा ले आके, हमने ओपन रखा हुआ है, किसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। मेरा नाम मुनीर अहमद है और मैं हम कंपनी में काम करते हैं, मजदूरी करते हैं यहाँ पे। हम जब मजदूरी से वापस आते हैं तो शाम को यहाँ पे हम खाना मिलता है, हम यहाँ पे इज़्ज़त के साथ बैठ के खाना मिलता है हमें, अच्छा खाना मिलता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, क्योंकि 4 पैसे बच जाते हैं। गरीब बंदे हैं, रोडों पे जो खिलाते हैं वहाँ पे तो हाँ वहाँ पे भी जाते हैं लेकिन वहाँ पे अच्छा नहीं मिलता था, फिर हमें यहाँ पे बिठा के इज़्ज़त के साथ हमें खिलाते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया इनका, हमारी इज़्ज़त की जाती है यहाँ पे, बहुत इज़्ज़त की जाती है, सुकून से बैठ के खाना खिलाते हैं हमें, हम शाम को डेली आके खाना खाते हैं। सिर्फ मैं नहीं हूँ अकेला, आप यहाँ पे देखें हज़ारों लोग यहाँ पे खाना खाते हैं, गरीब लोग जो सड़कों पे बैठे रहते हैं वो सारे आके इधर खाना खाते हैं। वहाँ पे जितने भी मजदूर थे यहाँ पे हॉस्पिटल के आगे बैठे रहते हैं, रोडों पे बैठे रहते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम तो उनको भी लेके आते हैं यहाँ पे, इज़्ज़त के साथ खाना मिलता है हमें यहाँ पे, एक वक्त की रोटी के पैसे बच जाते हैं हमारे, गरीब बंदे जो मजदूरी कर रहे हैं कंपनियों में।